गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सद्भावना दिवस के अवसर पर वल्लभ भवन स्थित पार्क में सद्भावना एवं एकता की शपथ दिलवाई। उन्होंने पीसीसी चीफ कमलनाथ को नेता प्रतिपक्ष बनने पर बधाई देते हुए बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर कांग्रेस पर हमला बोला है। राजीव गांधी जी ने रखी है, बड़ा विज्ञापन भी दे रहे। यही तो एक अचंभा है कि विज्ञापन दे के बताना पड़ रहा है कि राम हमारे हैं, राम तुम्हारे हैं तो सक कैसा और नहीं है तो हक कैसा। विज्ञापन क्यों देना पड़ रहा है? हमने तो कभी विज्ञापन नहीं दिया। राम हमारे आराध्य हैं, रोम रोम में राम रमे हैं, और इसलिए इसके लिए विज्ञापन देना ही शक पैदा करता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक, कांग्रेस विधायक दल के सचेतक माननीय कमलनाथ जी को नेता प्रतिपक्ष बनने की मैं बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं। मैं आज स्वयं शाम को 6 बजे बतौर संसदीय कार्य मंत्री उन्हें बधाई देने के लिए भी जाऊंगा। मैं युवाओं से प्रार्थना करूंगा कि उस वक्त पूछें कि क्या आपने अपने घोषणा पत्र में 4,000 रुपया महीना नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का घोषणा की थी क्या, और की थी तो क्या 15 महीने में किसी एक नौजवान को बेरोजगारी भत्ता दे पाए? नौजवान उनसे ज़रूर पूछें। आज मेरी प्रार्थना है नौजवानों से,